बदले सनम मिटक दिन ताना मिटक दिन ताना सो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ फिर से आप लोग के लिए एक और न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल लेके। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने जो स्टेटस वीडियो देखी थी, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों में कुछ इसी तरीके की स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब पर कुछ इस तरीके की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर आप लोग भी इस तरीके की वीडियो बना के अगर आप लोग इंस्टाग्राम रील्स या कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियोज़ पर भी काफ़ी अच्छे लाइक्स और व्यूज आएंगे और आपकी वीडियो जो है वायरल हो सकती है अगर आप लोग इस तरीके की वीडियो बना के अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं कि आप लोग कुछ इस तरीके की ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग में VN एप्लीकेशन का यूज करके कुछ इस तरीके की स्टेटस वीडियो का ट्यूटोरियल सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को VN एप्लीकेशन की। इस VN एप्लीकेशन की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। VN को ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप लोग को करना क्या है, जिस वीडियो पर आप लोग को बनाना है स्टेटस, तो आप लोग उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, एरो वाले आइकन पर आप लोग क्लिक कीजिए। अब ये मेरी वीडियो कुछ इस तरीके की नॉर्मल वीडियो है। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे आप लोग एक विजिबल ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए और इमेजेस पे जाइए और यहाँ पे आप लोग को राइट करना है। अब आप लोग स्क्रीन जो वीडियोज उसको सेलेक्ट करके नीचे खिसका दीजिए, अब ब्लर इफेक्ट आ जाएगा। फिर से BG पे क्लिक कीजिए, ब्लर इफेक्ट को एडजस्ट करेंगे। मैं इतना ब्लर इफेक्ट ले लेता हूँ और राइट करूँगा। अब आपको करना क्या है, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, टैप टू ऐड स्टिकर एंड PIP, यहाँ क्लिक करेंगे। वीडियो एंड फोटो पे आप लोग क्लिक कीजिए और आप लोग एक जो ब्लैक इफेक्ट है, ये वाली जो वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। नीचे आप लोगों को जो है स्वाइप करेंगे तो यहाँ मिलेगा एक फिट पे क्लिक कीजिए। अब इधर ही आप लोग को बगल में मिल जाएगा यहाँ पे, और फिट के बगल में ब्लेंडिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग लाइटन और स्क्रीन आ रहा तो स्क्रीन को सिलेक्ट करके राइट कर दीजिए। अब आप लोग को करना क्या है, फिर से आप लोग यहाँ पे प्लस के आइकन पे, यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। वीडियो एंड फोटो पे आप लोग क्लिक कीजिए और आप लोग फोटोज़ पे क्लिक कीजिए। अब ये ग्रीन स्क्रीन जो फोटोज़ है इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना और इसके बाद इसको आप लोग फोटोज़ को और जूम कीजिए। अब इस तरीके से जूम करने के बाद इसको आप लोग यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद इस फोटोज़ की जो लेयर है, जितनी आप लोग वीडियो का ड्यूरेशन है उतना बढ़ा दीजिए। अब नीचे ब्लैक लेयर है इसको सेलेक्ट करके डिलीट वाले आइकन पे क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, ये एरो वाले आइकन पे क्लिक करके राइट कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, एक्सपोर्ट कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको सेव टू एल्बम पे क्लिक कीजिए, फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप लोग की जो वीडियो है उस वीडियो को सिलेक्ट करके एरो वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, वीडियो एंड फोटो पे क्लिक कीजिए। जो वीडियो आप लोगों ने एक्सपोर्ट की है उस वीडियो को आप लोग यहाँ पर उठाइए और ये वीडियो आप लोग की यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग चलती है, तो एक से आप लोग जो है 3 से 4 सेकेंड लगेंगे, आप लोग वीडियो फुल प्रोसेस हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे आप लोगों को मिल जाता है, ये देख सकते हैं, फिट पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। अब आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे क्रोमा को जो है सेलेक्ट करेंगे, क्रोमा में आप लोग ग्रीन को जो है कलर को सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद आप लोग इसको जो है एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है राइट पे आप लोग क्लिक करेंगे और ये आप लोग की वीडियो इस तरीके से हो जाएगी। अब नीचे वाली जो वीडियो की लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसको करेंगे आप लोग जूम, आप लोग दो फिंगर से आप लोग यहाँ पे और इसको आप लोग वीडियो को जूम कीजिए। ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ और ये आप लोग की वीडियो है यहाँ पे कुछ इस तरीके की यहाँ पे जूम हो जाएगी। जूम होने के बाद अब आप लोग की वीडियो जो है रेडी हो चुकी है। वीडियो को आप लोग यहाँ प्ले करेंगे तो ये वीडियो आप लोग की कुछ इस तरीके से बन जाएगी। वीडियो आप लोग की यहाँ पे बन जाती तो अब आप लोग को करना क्या है, एरो का जो ऊपर आइकन आ रहा है यहाँ पे, बस जस्ट आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद राइट आप लोग FPS वगैरह
और 1018 को सिलेक्ट करके राइट कर दीजिए और आप लोग की वीडियो यहाँ पे फुल एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे 100% हो जाती है, तो आप लोग की वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी और इस वीडियो को आप लोग जहाँ भी अपलोड करना चाहते हैं वहाँ जाके नॉर्मली अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग न्यू ट्रेंडिंग लो वी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।